साहब अदालत में शरीफ फैमिली के खिलाफ एवन फील्ड रेफरेंस की समाप्त। ख्वाजा हारिस के छठे दिन भी दलाइल जारी। ख्वाजा आसिफ और फिरदौस आशिक अवाम को इलेक्शन लड़ने की इजाजत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का एपलेट ट्रिब्यूनल इमरान खान, शाहिद खाका नवासी और दीगर उम्मीदवारों की समाप्त कुछ देर में करेगा। कप्तान की आज बन्नू ट्रिब्यूनल में भी तलबी। सुप्रीम कोर्ट में नाअहली के खिलाफ 12 साबिक अराकीन असेंबली की अपीलों पर समाअत आज होगी। मेमो गेट स्कैंडल केस के मुल्ज़िम हुसैन हकानी की वतन वापसी का केस भी लगेगा। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ के दूसरे दिन भी कराची में डेरे। आज जलसायाम से खिताब। लियारी और मलीर का दौरा करेंगे। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की सरगर्मियां तेज। आज से पाक फौज के अफसरान की 6 रोजा तरबियत शुरू हुई। इसहाक डार, हसन और हुसैन नवाज को वतन लाने के लिए नैब मुतहरिक। इंटरपोल के जरिए लाने का फैसला। बैनुल अक्वामी पुलिस के लिए खत तैयार। जल्द अरसा किया जाएगा। मोटरसाइकिल पर इंतखाबी मुहिम चलाने वाले शेख रशीद अहमद भी करोड़ों के मालिक निकले। 2,90,00,000 रुपए की जायदाद, बैंक में 1,27,00,000 रुपए जमा। 2 गाड़ियां और 1 ट्रैक्टर ट्रॉली भी ले रखी है। डॉक्टर ताहिरुल कादरी फिर मुल्क छोड़ गए। जाते वक्त कहने लगे, मुस्तहकम हुकूमत बनते नहीं देख रहा। हमारी जमात की बका इसी में थी कि इलेक्शन को रद्द कर दें। हम इस कौमी जुर्म और गुनाह का हिस्सा नहीं बनना चाहते। फाटा में आम इंतखाबात कराने के लिए मुत्तहिदा कबाइल पार्टी का इस्लामाबाद में आज भी धरना। मुजाहिरीन का मुतालबे की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। और लाहौर में बादलों के डेरे, रिमझिम का इम्कान। बन्नू जियाई खान, डीजी खान मुल्तान और बहावलपुर में भी बादल बरसने की उम्मीद। कराची में भी बूंदाबांदी का इम्कान।